सो कंस्ट्रक्शन ऑफ हैड्रॉन वेव फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ आर्क। तो हैड्रॉन वेव फंक्शन कैसे बना सकते हैं, हमने एसयू सिक्स के बारे में बात कर रखी है कि हमारे पास कॉम्बिनेशन जो बनेगा 6 × 6 × 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि 6 × 6 × 6 जो हमारे पास प्रोडक्ट स्टेट्स रहेंगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या बनेगा, इट विल बी 56 प्लस 70 प्लस 70 प्लस हमारे पास कितना आएगा, मेरे को से देखना पड़ेगा मुझे, दैट वाज 20, इट वाज 20। सो ये हमारे पास सम स्टेट्स बन गए, बन जाएंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हैड्रॉन वेव फंक्शन कैसे रहेगा, तो जितने भी हमारे पास नेचर में पार्टिकल्स मिल रहे हैं ऑल दोज आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रिपलेट स्टेट। तो यहाँ पे ट्रिपलेट है मतलब जो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे वन रहेगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, एस इज इक्वल टू वन हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो एसयू सिक्स मॉडल प्लेसेस द ग्राउंड स्टेट बेरियंस इन द 56 रिप्रेजेंटेशन, जो ये वाली रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एसयू सिक्स विच इज गिवन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियन ऑक्टेट एंड डेल्टा डिकुप्लेट। तो यहाँ पे ऑक्टेट एंड डिकुप्लेट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर दे रखी होगी। तो 56 जो है उसकी जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन हम आपके पास दे रखे हैं कि जो आपके पास 3/2 जो हमारे पास स्पिन रहेगी, 3/2 रहेगी मतलब तीनों पार्टिकल स्पिन आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकते हैं, सिमिलर स्पिन के पार्टिकल हैं। यहाँ पे अगर आपके पास 1/2 दे रखा है तो 1/2 एक पार्टिकल की स्पिन यहाँ पे डाउन होनी चाहिए। तो आपके पास 10 पार्टिकल्स और 8 पार्टिकल वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो 56 जो पार्टिकल्स है उनको आप यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फिर बार नोटिस दैट द डिकुप्लेट कम्स विद स्पिन 3/2। तो हमारे पास तीन पार्टिकल हो गए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई है हमें कि हमारे पास तीन पार्टिकल्स हैं, तो हमने बात की है कि वेरियंस की, तो तीनों पार्टिकल जो पार्टिकल हैं दोज आर क्वार्क्स, क्वार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इट कैन बी अप अप क्वार्क, अगर तीनों क्वार्क अप हो गए तो तीनों की स्पिन भी अप हो गए। तो यहाँ पे पॉलिश थ्योरी प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा बिकॉज एक ही स्टेट में सारे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है जी। So it was noticed that the decuplet comes with spin 3/2 and 3/2 means 3 parallel spins. So this implied that this representation had 3 quarks in symmetric state. So हमारे पास symmetric state यहाँ पे बन रही है, that is not possible according to the Pauli exclusion principle. So this can be verified by first constructing the quark wave function of decuplet. To construct it, we have to completely symmetrize up, down and स्ट्रेन स्टेट्स। तो हमारे पास ये 56 वाली स्टेट्स हैं, दीज आर टोटली सिमेट्रिक स्टेट्स, तो यहाँ पे सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करने चाहिए। तो वो वाला पार्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिमेट्राइजेशन कैसे होगी, तो अप क्वार्क है हमारे पास, स्ट्रेन क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, तीनों क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन हम बना के सिमेट्राइज कर सकते हैं। पहले कंप्लीटली सिमेट्राइज कौन रहेगा, तीनों अप क्वार्क रहेंगे या फिर तीनों डाउन क्वार्क रहेंगे या फिर तीनों स्ट्रेंज क्वार्क रहेंगे। तो कंप्लीटली सिमेट्रिक केसेस यहाँ पे दे रखे हैं। तो आपके तीनों अप क्वार्क हो गए, तीनों यहाँ पे डाउन क्वार्क हो गए या फिर तीनों स्ट्रेंज क्वार्क हो गए। इन बिटवीन क्या रहेगा, इस केस में आपके पास एक क्वार्क को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, सो इट इज अप अप डाउन क्वार्क। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिमेट्राइजेशन कैसे अप्लाई होगी, तो डाउन क्वार्क की जो पोजीशन रहेगी वो कौन कौन सी अप्लाई हो सकती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे तीन तरह के ऑपरेशन आप इसको गवर्न कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्सचेंज ऑफ द वेरिएबल्स। तो उसको आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड पोजीशन सेकंड टाइप बन गई। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे ट्राई कर सकते हैं कि आप स्ट्रेंज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्ट्रेंज पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको वेरी किया गया है, सिमेट्राइजेशन ऑपरेटर लगाए गए हैं, इस सिमेट्राइजेशन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है बेटा। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले आपने क्या किया था, एक पार्टिकल चेंज किया था, अब हम यहाँ पे करेंगे दो पार्टिकल चेंज कर सकते हैं, अप डाउन डाउन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो पार्टिकल्स की पोजीशन आप चेंज करके चेक कर सकते हैं भी कि आपने सिमेट्राइजेशन कैसी आएगी, या फिर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि अगर आपने दो डाउन क्वार्क चेंज किया है उसके बाद हो सकता है आप दो स्ट्रेंज क्वार्क चेंज कर दें फर्स्ट वाले में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ऐसी चेंजेस आएंगे, तो ये वाला पार्ट भी जस्टिफाई हो जाता है। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ट्रिपल क्वार्क जो स्ट्रेंज क्वार्क है वो वाला पार्ट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रेंज को आके तो स्ट्रेंज के साथ दो डाउन लगा सकते हैं, तो ऐसी सारी की सारी ऑपरेशन आप गवर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर आपको आके उसके साथ या डाउन के साथ दो स्ट्रेंज लगा दीजिए, अगर टोटली आपके पास तीनों क्वार्क आप यूज कर रहे हैं तो आप डाउन एंड स्ट्रेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास सारे के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएंगे। तो यहाँ पे 9 कॉम्बिनेशन रहेंगे, तो तीन क्वार्क से तीन क्वार्क के कॉरेस्पॉन्डिंग 9 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाने चाहिए एटलीस्ट। उसमें से कुछ ये यूज अप हो जाएंगे, कुछ पैरेलल हो जाएंगे, तो उसको हमने यहाँ पे मिट किया है, जितने भी पॉसिबल थे मैंने यहाँ पे लिखे हुए।
ठीक है जी। तो यहाँ पे परमुटेशन इसको देख सकते हैं, परमुटेशन कितनी रहेगी, 3 फैक्टोरियल रहेगा, तो 26 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे रादर देन 9। तो ये वाला पार्ट आपके पास दे दिया मैंने। तो हैड्रॉन वेव फंक्शन कैसे बनेंगे, तो हमारे पास जो पता होता है हमें कि हमारे पास दे रखा है कि डेल्टा प्लस प्लस जो हमारे पास पार्टिकल है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी स्टेट हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे पास ट्रिपल क्वार्क, ट्रिपल अप क्वार्क जो हमारे पास ट्रिपलेट दे रखा है उसको हमने डेल्टा प्लस प्लस दे रखा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा नॉट जो पार्टिकल है उसको हमने ये वाला पार्ट डिनोट किया है। इसके आप चार्ज निकाल के देख सकते हैं बेटा, चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास पता चल जाएगा चार्ज क्या क्या है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2½ है, 2/3 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2/3 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2/3 पार्टिकल्स चार्ज है। तो सबका सम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6/3, और यू कैन से इट इज 2। तो जो पार्टिकल रहेगा दैट विल बी डेल्टा 2+। इसका चार्ज भी आप निकाल के देख सकते हैं, इसके पास चार्ज कितना रहेगा, इट विल बी 2/3 -1/3 -1/3, अल्टीमेटली चार्ज क्या रहेगा, 0। तो ये वाला पार्टिकल डेल्टा नॉट को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो ये वाला पार्टिकल भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये डेल्टा प्लस है, उसके बाद डेल्टा माइनस है, तो ट्रिपलेट है यहाँ पे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। जो कैस्केड है कैस्केड का भी आपको पता रहता है। तो सारे के सारे पार्टिकल बेटा आपने ऑलरेडी यहाँ पे डिनोट कर रखे होते हैं। तो ये वाला बड़ा पार्ट जो आपको ट्रिपलेट का है इसको आप यहाँ से ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये वाला पार्ट आप यहाँ ऐसे ही नोट कर सकते हैं, ये वाला सारे का सारे कॉम्बिनेशन जो है ये आप यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे पार्टिकल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये सारे पार्टिकल आपके ऐसे आएंगे। तो इसको ये ट्यूकुप्लेट जो वाला जो केस है वो सारे का सारा आपका ऐसे आ जाता है, ठीक है जी। तो यह सबसे पहले कौन सा है, अप क्वार्क रहता है, इसके बाद क्या रहेगा, अप डाउन रहेगा, एक एक आप चेंज कर सकते हैं, अप डाउन डाउन एंड ट्रिपल डाउन, ठीक है जी। उसके बाद इसके नीचे क्या आएगा, एक एक क्वार्क आप स्ट्रेंज में चेंज कर देते हैं, उसके बाद अप डाउन एंड स्ट्रेंज रह जाता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहता है, डाउन डाउन एंड स्ट्रेंज रह जाता है। इसके बाद क्या रहेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप स्ट्रेंज स्ट्रेंज रह सकता है, स्ट्रेंज डाउन स्ट्रेंज स्ट्रेंज रह सकता है, या फिर यहाँ पे ट्रिपल स्ट्रेंज रह सकता है। तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस उसके कॉम्बिनेशन लिखे हैं। तो हैड्रॉन वेव फंक्शन आपका कैसे बनेगा, ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डिकुप्लेट वेव फंक्शंस लेड टू द स्पिन स्टैटिस्टिक्स पैराडॉक्स। तो यहाँ पे जो डिकुप्लेट वेव फंक्शन हमने बनाए हैं, ऑल दोज आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्पिन स्टैटिस्टिक्स पैराडॉक्स। तो हमारे पास कैसे पैराडॉक्स आ जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे डेल्टा प्लस पार्टिकल है, 2+ पार्टिकल है ये वाला, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपने जो स्मिटराइजेशन ऑपरेटर है, स्मिटरी, बिकॉज आपके पास डिकुप्लेट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल स्मिटरी स्टेट है, तो आपके पास तीनों पार्टिकल स्पिन ना पाएंगे, तो तीनों का एक तरह के ही होंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है हमें, तो हमें हमारे जो पॉलिस जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रॉपर कंट्राडिक्ट कर जाती है, मतलब टोटल वेव फंक्शन हमारा एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो टोटली सिमेट्रिक वेव फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो इट शुड बी रिप्रेजेंटेड एज कम्प्लीटली सिमेट्रिक स्टेट इन SU3। सो एंड द स्पिन इंडिसेस। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये भी टोटली सिमेट्रिक है, ये भी टोटली सिमेट्रिक केस बन गया, लेकिन टोटल वेव फंक्शन तुम्हारा क्या होना चाहिए, टोटली एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए फॉर द केस ऑफ फर्मी डिराक स्टेट्स, ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू विच वेव फंक्शन ऑफ डेल्टा प्लस प्लस शुड बी कंप्लीटली एंटीसिमेट्रिक एज रिगार्ड्स टू क्वार्क्स और फर्मियोन्स। तो क्वार्क फर्मियोन होने की वजह से हमारे पास जो वेव फंक्शन होना चाहिए दैट शुड बी एंटीसिमेट्रिक, लेकिन ये हमारे पास क्या है, टोटल वेव फंक्शन इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय SU3 पार्ट हो गया, उसके बाद हमारे पास स्पिन पार्ट हो गया, उसके बाद स्पेशियल पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के पार्ट हमारे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो स्पेशियल पार्ट वॉज थॉट टू बी कंसिडर्ड टू बी एंटीसिमेट्रिक, लेकिन स्टार्टिंग में सोचा गया था कि हो सकता है स्पेशियल पार्ट जो है जो आर के ऊपर डिपेंड करता है दैट में भी एंटीसिमेट्रिक, हाउएवर दिस कुड नॉट बी डन एज बाय कंसीडरिंग एलिजिबल टू जीरो। हमने अभी क्या क्या बात की है, ओनली द ग्राउंड स्टेट ऑफ द पार्टिकल्स कंसीडर की है, ग्राउंड स्टेट मतलब एलिजिबल टू जीरो। अगर पार्टिकल की सॉरी आपके स्पेशल पार्ट की बात करें तो -1^L आ जाता है, तो -1^ ग्राउंड की कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो होता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास 1 आ जाएगा, तो आपके पास स्पेस पार्ट भी यहाँ पे सिमेट्रिक रहता है। तो स्पेशल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन शुड ऑल्सो बी कंप्लीटली सिमेट्रिक। तो हमारे पास प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि हमारे पास होगा क्या, कि टोटली एंटीसिमेट्रिक आप वेव फंक्शन को कैसे डिजाइन करेंगे। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इट वाज अज्यूम्ड दैट द क्वार्क्स कैरी अनदर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई डिग्री ऑफ फ्रीडम को चूज किया गया था। जैसे आपके पास क्वार्क नॉर्मली कोई भी पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास चार्ज डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है जी। सो इट वाज थॉट कि हमारे पास एक नई डिग्री ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए दैट शुड बी कॉल्ड अ कलर चार्ज।
तो इसके साथ हमें कलर चार्ज भी एक नई डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होनी चाहिए, जो जो हमारे टोटल वेव फंक्शन को क्या बनाए, एंटीसिमेट्रिक बनाए। तो यहाँ पे कोई रेड ब्लू ग्रीन वाला ऐसा कंसेप्ट नहीं है, पार्टिकल कभी रेड कलर का नहीं होगा, ब्लू कलर का नहीं होगा, ग्रीन कलर का नहीं होगा, लेकिन हर एक क्वार्क के कॉरेस्पॉन्डिंग तीन तरह के कलर चार्ज एग्जिस्ट करेंगे। मतलब अगर अप क्वार्क एग्जिस्ट कर रहा है तो रेड ब्लू एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन में यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब या तो रेड क्वार्क हो सकता है या ये ब्लू क्लॉक क्वार्क हो सकता है या फिर ये ग्रीन क्वार्क हो सकता है। दूसरा अगर हमारे पास अप क्वार्क है वो भी रेड ब्लू एंड ग्रीन हो सकता है। तो अगर आपके पास तीसरा क्वार्क है इट में बी रेड ब्लू एंड ग्रीन। तो हमारे पास क्या हो गया, तीन क्वार्क है, तीन क्वार्क के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल कॉम्बिनेशन हमने चूज करना है दैट कैन बी रिटन एज रेड ब्लू एंड ग्रीन और समथिंग लाइक दैट। तो तीनों क्वार्क जो है वो डिफरेंट स्टेट में लाई करेंगे, कलर सिमेट्री अलग होगी, टोटल वेव फंक्शन की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इट वाज अज्यूम्ड दैट क्वार्क्स कैरी अनदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉल्ड द कलर चार्ज और कलर डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट इफ वी एट्रीब्यूट क्वार्क्स द कलर डिग्री ऑफ फ्रीडम देन वी कैन राइट टोटल वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज एंटीसिमेट्रिक, बिकॉज जो कलर चार्ज होगा कलर चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसमें एंटीसिमेट्री को असाइन कर सकते हैं। In a neutral state, that is for a singular state, the color degree of freedom is antisymmetric. तो neutral state में, singular state में हमारे पास क्या रहेगा, आपके पास total color जो charge रहेगा, suppose करिए आपके पास proton है, proton as such chargeless होना चाहिए, मतलब color charge उसका zero होना चाहिए, because proton का as such कोई color exist करता नहीं है, हमारे nature में as such कुछ नहीं दे रखा, अगर हम उसके बारे में experiment भी करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं आएगा, लेकिन quarks level पे हमारे पास red, blue and green के corresponding ये वाला combination exist कर सकता है। लेकिन रेड ब्लू एंड ग्रीन के कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल चार्ज जो रहेगा कलर चार्ज इट शुड बी न्यूट्रल, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट जो रहेगी दैट विल बी एंटीसिमेट्रिक है। Therefore, problem was resolved and total wave function could be considered to be antisymmetric in spite of the SU3 spin and spatial was part was being only completely symmetric case. तो total wave function antisymmetric है, चाहे उसके जो previous तीन components से जो SU3 spin and spatial part था that was found to be totally symmetric. तो तीनों totally symmetric होने के बावजूद भी हमारे पास जो result है वो totally antisymmetric बन जाता है, because हमारे पास एक extra degree of freedom हमने choose की है that is color charge. तो color charge यहाँ पे आ जाता है। ये मैंने thumb rule लिखे हुए बेटा। थंब रूल क्या होते हैं, थंब रूल आप देख सकते हैं बेटा, सिमेट्रिक केस ऐसे होता है, हमारा सिमेट्रिक केस है, सिमेट्रिक एंड सिमेट्री को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, सिमेट्री आएगा। सिमेट्रिक के कॉरेस्पॉन्डिंग मिक्स को ट्राई करोगे, मतलब सिमेट्री के साथ सिमेट्री कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स सिमेट्री ट्राई करोगे तो टोटली क्या क्या आएगा बेटा, मिक्स सिमेट्री आ जाएगा। तो सिमेट्री के साथ एंटी सिमेट्री को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, एंटी सिमेट्रिक आ जाएगा। तो टोटल वेव फंक्शन जो रहेगा, टोटल वेव फंक्शन हमारा जो है वो एंटीसिमेट्रिक क्यों है, बिकॉज मैंने सिमेट्रिक इनटू एंटीसिमेट्रिक मिक्स किया है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रिजल्ट आएगा, एंटीसिमेट्रिक आएगा। तो इसको आप ट्रेस आउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका ऐसे है, ये थंब रूल है, आप चेक कर सकते हैं। जो मिक्स में आप क्या मिक्स में मिक्स करोगे तो मिक्स तीनों बन सकते हैं, मिक्स में एंटी में करोगे तो मिक्स बनेगा। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो थंब रूल है वो आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। Examples of simple calculation application of the quark model. तो जो हम quark model जो study कर रहे हैं, wave pattern, wave function desire किए हैं, those are accurate or not हमें check करना पड़ेगा। तो delta plus का charge मैंने आपको बेटा already बता दिया है, वो एक rough calculation थी, that was part of the जो मैंने हेड्रॉन वेव फंक्शन बनाया था, लेकिन हम यहाँ पे लैबोरेट करके उसको लिखेंगे। तो फाइंडिंग आउट द चार्ज ऑफ डेल्टा प्लस, तो डेल्टा प्लस जो पार्टिकल है मेरे पास दैट इज गिवन बाय डेल्टा प्लस प्लस का चार्ज क्वार्क कंटेंट क्या था बेटा, दैट वाज ट्रिपल अप, ठीक है, लेकिन डेल्टा प्लस जो है उसके लेफ्ट साइड लाइक करता है, इसलिए वजह से क्या होगा, अप अप एंड डाउन रहेगा। तो इसके सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो मेरे पास क्या रहेगा, टोटल वेव फंक्शन जो रहेगा दैट विल बी SU3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके बाद मेरे पास क्या रहेगा, मल्टीप्लाइड रहेगा तो हमारे पास जो वेव फंक्शन रहेगा दैट विल बी स्पिन पार्ट, ठीक है जी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या रहेगा, एक होगा स्पेशियल पार्ट, एक होगा हमारे पास यहाँ पे कलर पार्ट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल वेव फंक्शन जो आपका यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है। तो टोटल वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपके पास लिखा हुआ है, तो अप डाउन अप अप डाउन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1/√3 करके इसको नॉर्मलाइज किया गया, दैट इज नॉट ए बिग डील हियर, इसको आप देख सकते हैं बेटा। तो इसमें SU3 पार्ट आपके पास अप अप डाउन के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दिया गया है, उसके बाद तीनों पार्ट जो है वो स्पिन स्टेट से स्पिन अप स्टेट में होंगे बिकॉज ये ट्रिपलेट है, उसके पास स्पेशल पार्ट एंड उसके बाद कलर पार्ट उसका लिख दिया गया है। तो टोटल वेव फंक्शन फॉर द केस ऑफ डेल्टा प्लस पार्टिकल जो है, तो उसकी जो स्टेट है
उसके बारे बारे में हमने बात करनी है कि उसके चार्ज कैसे निकालेंगे। टू फाइंड आउट द चार्ज कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनी बेरियन, तो हमारे पास जो बेरियन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसकी इसका बेरियन नंबर हमेशा ही वन रहेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेरियन नंबर वन क्यों है? बिकॉज ये ट्रिपल क्वार्क को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर क्यू क्यू बार होता वो दैट वाज ए बिजॉन, बिजॉन के कॉरस्पॉन्डिंग बेरियन नंबर जीरो हो जाएगा। तो दीज आर नॉट बेरियन, बिजॉन्स, ठीक है जी। सो लेट अस कंसीडर क्यू टू बी ए चार्ज ऑपरेटर। तो हमारे पास जो चार्ज है वो चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास जो चार्ज ऑपरेटर है, चार्ज ऑपरेटर हम क्यू को यहाँ पे मान के चलते हैं। तो वी विल कंसीडर सिंगल क्वार्क ट्रांजिशन, विच मतलब एक एट ए टाइम हम एक ही क्वार्क को कंसीडर करके चलेंगे, विच मींस दैट एट ए गिवन टाइम ट्रांजिशन टेक्स प्लेस थ्रू वन क्वार्क। इसका मतलब आपको तब पता चलेगा जब हम इसको करेंगे। तो हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ चार्ज निकालना है, उसकी जो वैल्यू निकालनी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बेरियन स्टेट्स को कंसिडर करेंगे। तो बेरियन जब हमने स्टेट्स कंसिडर किया दैट इज डेल्टा प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो वी आर कंसिडरिंग दिस थिंग, ये वाला पार्ट जो है इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल क्वार्क की ट्रांजिशन हम डील करेंगे। तो हम तीनों ही हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो सिमेट्री के कॉरस्पॉन्डिंग है, अप अप डाउन है, अप डाउन अप है, और डाउन अप अप के कॉरस्पॉन्डिंग है। एट ए पर्टिकुलर टाइम जो हमारे पास बेरियर है, जो ऑपरेटर रहेगा वो एट ए टाइम एक ही पार्ट के ऊपर इंटरेक्ट करेगा। मतलब या तो ये आपके ऊपर इंटरेक्ट करेगा, या दूसरे वाले के ऊपर, या तीसरे वाले के ऊपर इंटरेक्ट करेगा। इसी वजह से हमने इसको सम ओवर द थ्री कर दिया। मतलब एक को चूज करेंगे तो तीनों का पता चल जाएगा, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक केस। इसलिए हमने इसको थ्री टाइम्स इसको सिंपली Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 करके इसको हमने इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। तो सिमेट्रिक केस के होने की वजह से हमारा काम ओवर सिंप्लीफाई हो जाता है। तो हमारे पास जो रिजल्ट है चार्ज निकालने के लिए, इसको थ्री टाइम्स कर दिया एंड हम ओनली वन टाइप के ऊपर कंसिडर करेंगे दैट इज Q3। तो रादर देन कंसिडरिंग फॉर Q1 एंड Q2 इसको थ्री टाइम्स कर दिया। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास ये कैट है कि ब्रा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1/√3 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे। तो हमारे पास जो Q3 है, Q3 किसके ऊपर एक्ट करेगा, जो थर्ड क्वार्क के ऊपर एक्ट करेगा। तो जो थर्ड क्वार्क है, थर्ड क्वार्क के ऊपर यहाँ पे एक्ट कर रहा है। बाकी जो आपके पास सिमेट्री केसेस है, स्पिन वाला पार्ट आपके पास वन दे देगा, आपके पास स्पेशल पार्ट भी वन दे देगा, पास्कल पार्ट भी वन दे देगा, बिकॉज दीज आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, नॉर्मलाइज हो जाएगा रिजल्ट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो हम जब भी हम Q3 हमारे पास अगर कोई दे रखा है, एक्सपोज करिए ये अप डाउन अप है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये थर्ड क्वार्क के ऊपर एक्ट करेगा एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो ये अप क्वार्क है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, तो इट विल बी 2/3 Q dU। अगर यही काम मेरे पास दे रखा होता कि Q3 जो है वो अप अप डाउन के ऊपर एक्ट कर रहा है, देन उसका रिजल्ट क्या होता बेटा, उसका रिजल्ट होता है यहाँ पे -1/3 अप अप डाउन, बिकॉज ये थर्ड क्वार्क जो है डाउन को प्रेक्ट कर रहा है। इसी वजह से मैंने -1/3 यहाँ पे लिखा, वहां पे +2/3 लिखा हुआ है। तो सबके ऊपर आप एक्ट करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी 2/3 ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाना चाहिए। तो 2/3 जो है, 2/3 के कॉरस्पॉन्डिंग अप क्वार्क रहेगा, जब थर्ड क्वार्क के ऊपर एक्ट करेगा तो डाउन के कॉरस्पॉन्डिंग -1/3 एंड 2/3 आएगा अप क्वार्क के कॉरस्पॉन्डिंग। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ब्रा है, इधर आपके पास कैट है। तो जब इनको नॉर्मलाइज करेंगे तो आपके पास रिजल्ट एग्जिस्ट करेंगे, ऑर्थोगोनल कॉम्बिनेशन सारे के सारे रिजल्ट जीरो कर देंगे आपके। तो ये वाला क्या है, 1 के कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये 2/3 का कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो 1 × 2/3 ये हमारे पास क्या देगा, 2/3 का कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपके पास 1 है, इधर कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, इधर -1/3 है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, -1/3। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, तो इधर क्या है बेटा, 2/3, तो अल्टीमेटली 2/3 आ जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया बेटा, 4 - 1 कितना हो गया, 3। तो 3/3 का कॉम्बिनेशन आंसर क्या आ गया, 1। मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू रहेगी चार्ज की, दैट विल टर्न आउट टू बी +1 फॉर द केस ऑफ डेल्टा प्लस पार्टिकल। मतलब आपका चार्ज हमेशा ही बन रहेगा। तो आपको ऐसी कॉम्बिनेशन वगैरह फाइंड आउट करने आ सकते हैं, आपको चार्ज वगैरह फाइंड आउट करना आ सकता है कि अननोन पार्टिकल है, पार्टिकल का नाम नहीं बताएंगे वो कि डेल्टा प्लस पार्टिकल है या डेल्टा नॉट है या कौन सा पार्टिकल है। आपको चार्ज कॉम्बिनेशन, आपको उसका वेव फंक्शन दे दिया जाएगा, मोस्टली वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने फाइंड आउट करना है कि इसका चार्ज कितना होगा। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी आपके पास दे दी जाएगी, या फिर प्रूव करना आएगा कि आपके पास डेल्टा प्लस पार्टिकल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका चार्ज निकाल के बताइए। तो वो तो ऑब्वियस हो जाता है, लेकिन वहां पे प्रूव करना है तो वहां पे आप निकाल के देख सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको करने के लिए आ सकती है। अच्छा, असाइनमेंट्स क्या है, लिस्ट पे प्रेजेंट ए फंडामेंटल पार्टिकल। तो आपके लिए सिंपल सी असाइनमेंट है बेटा, पहली असाइनमेंट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दी थी। अब आपने क्या करना है कि आपके पास, मैंने स्टार्टिंग में कुछ टर्मिनोलॉजी नहीं बताई थी आपको, जैसे आपके पास क्वार्क की जनरेशन है, अप डाउन हो गया,
स्ट्रेंज एंड चार्म हो गया, टॉप एंड बॉटम हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने पार्टिकल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने एंटी पार्टिकल्स है। ठीक है जी, तो यहां पे हो गए 6 पार्टिकल्स, 6 ही आपके पास एंटी पार्टिकल्स हो गए, लेकिन हर एक क्वार्क के 3 कलर भी रहेंगे। ठीक है जी, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18। तो आपके पास टोटल पार्टिकल कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 18, यहाँ पे भी कितने हो गए बेटा 18 के राउंड। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इसका लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड पार्टिकल भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब यो लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल भी होता है, एक राइट हैंडेड पार्टिकल भी होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 18 जमा 6, 24 हो गए बेटा, 6 इधर हो गए। तो अल्टीमेटली आपके पास कितने हो गए, यहाँ पे हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 हो गए ना, तो इस विल बी 12, तो यहाँ पे 12 पार्टिकल और आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास ऐसे पार्टिकल आ जाने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हर हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास पार्टिकल आते हैं, तो कितना हो जाएगा, 30 यही हो गया, 30 यही हो गया। ठीक है जी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप चेक कर सकते हो, 30 पार्टिकल्स, 60 पार्टिकल तो यही हो गया यहाँ पे, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आप बना के देख सकते हैं कि आपके पास पार्टिकल कॉम्बिनेशन कितने आते हैं। बाकी बात बचे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी लेफ्ट हैंडेड होंगे, राइट हैंडेड होंगे, इलेक्ट्रॉन का कॉरस्पॉन्डिंग आपका कलर चार्ज तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है। उसके बाद आपके पास क्या होता है कि म्यूऑन, म्यूऑन न्यूट्रिनो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाउ, टाउ न्यूट्रिनो होता है। तो ये पार्टिकल आपके पास रहेंगे, ये भी लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड होंगे, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड के कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड, ये भी लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड आएंगे सारे के सारे। आपके पास इसको कंसिडर करना पड़ेगा, नेचर में मोस्टली लेफ्ट हैंडेड एग्जिस्ट करता है, राइट हैंडेड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको वहां पे देखना पड़ेगा, लेकिन वो तब पता चलेगा जब हम वीक इंटरेक्शन की स्टडी करेंगे। ठीक है जी, तो ये वाला पार्ट आप वहां पे देख सकते हैं, 6 के 6 12 हो गए अल्टीमेटली। इसके बाद उसके एंटी पार्टिकल्स भी आएंगे, 12 12 कितने हो गए 24, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये वाले सारे के सारे पार्ट आपको देख के चलने पड़ेंगे, कौन से पार्टिकल है, बाकी बोसोन्स आ जाते हैं, वो सारे के सारे आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। तो अगर आप टोटल सिमेट्री कॉम्बिनेशन जितने पार्टिकल से कंसिडर करेंगे, तो उसमें आपको काफी चीजें पता चलेंगी। तो इंटरनेट पे भी काफी मटेरियल दे रखा है, आप ढूंढ के देखिए कि फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके पास कितने हो जाते हैं। तो व्हाट आर द मेन डिफरेंस, दूसरा आ जाता है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन क्यूसीडी एंड क्यूईडी। क्यूसीडी है क्रोमोडायनेमिक्स है जो हम स्टडी कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है जो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज क्या है वो अपने स्टडी कर रहे हैं। डिस्कस ब्रीफली दी क्वार्क लेप्टॉन सिमेट्री, वो आप स्टडी कर सकते हैं, क्वार्क के और लेप्टॉन की सिमेट्री का कॉरस्पॉन्डिंग कर सकता है। लेप्टॉन्स के बारे में थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे लेटर ऑन स्टेज में जाके, जब हमारे पास वो पार्टिकल आएगा थर्ड में वीक इंटरेक्शन का पार्ट आएगा, वहां पे हमारे पास बीटा डीके वगैरह स्टडी करेंगे, तो वहां पे पता चल जाएगा। सो ड्रा फेनमैन डायग्राम कॉरस्पॉन्डिंग टू काउंटन स्कैटरिंग, भाभा स्कैटरिंग और समथिंग लाइक दैट। ये सारे के सारे पार्ट आपने करने हैं, ये एग्जाम में आ जाता है। भाभा स्कैटरिंग क्या होती है, ठीक है, इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, उसको आपने स्टडी करना है। भाभा स्कैटरिंग क्या होता है, BHA, BHA, तो ये आपके उसमें दे रखा होता है बेटा पर्किंस की बुक में, वहां से आप लेके चल सकते हैं। डिस्कस ब्रीफली एसिम्प्टोटिक फ्रीडम क्या होती है, इंफ्रारेड स्लेवरी क्या होती है, कन्फाइनमेंट क्या होती है, ये आपका फर्स्ट ईयर का पार्ट है, ये वाला पार्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक्सप्लेन हाउ जो आपके पास जो कांस्टेंट होता है दैट इज अल्फा बिकम्स स्ट्रॉन्ग एट शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड अल्फा ऑफ वीक एट शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो आपके पास कौन कौन जो आपके पास पार्ट है, इसको अल्फा पार्टिकल जो मैट मैट इसका होता है कांस्टेंट होता है आपके पास, जो मेरे माइंड से निकल गया जो वर्ड जो होता है, ठीक है, उसको उधर देख लेना एक बार। आपके पास जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के लिए जो होता है दैट इज वेरी वेरी, इसको मन मान के चलते हैं, ये आपका उसमें दे रखा होता है डीसी जोशी की बुक में दे रखा होगा बेटा। ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, आगे जा, तो इसको हम कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो कपलिंग कांस्टेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के लिए 1 होता है, जो आपके पास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के लिए 1/100 होता है, मतलब 10^-2 आता है। वीक इंट्रैक्शन के लिए इससे भी वीक होगा, तो ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। ये वाला पार्ट हम लेटर ऑन सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो फाइंड आउट द लेंथ एट व्हिच ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट, व्हाट इज प्लैंक्स लेंथ। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाता है। तो ये आप इसमें सॉल्यूशन मैंने दे रखा है कैसे किया जाता है। शो दैट द पोटेंशियल ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ द बोसोन ऑफ मास m इज गिवन बाय दिस वैल्यू, दिस वैल्यू वेयर रेंज इज गिवन बाय दिस वैल्यू। तो इसको आपने देखना है बेटा, न्यूमेरिकल्स वगैरह दे रखे हैं। इन द न्यूट्रल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नेचुरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स शो दैट 1 परमी इज इक्वल टू 5 GeV इनवर्स, भी आपको चेक करना है। राइट शॉर्ट नॉट शॉर्ट नॉट ऑन हिग्स बोसोन, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपने ढूंढ के रखने हैं। ठीक है जी, तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। पोटेंशियल है,
ठीक है, तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करते रहेंगे साथ के साथ। सो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो डाउट है तो बताइए बेटा।